आज सुरनकोट में एक दुखदायक घटना घटी जिसमें गांव लखीम के घुमसर धोक में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और दर्जनों जानवर भी मारे गए। PNI के लिए सुरनकोट से आकाश मलिक और खालिद कुरैशी की रिपोर्ट। कह रहा था उसको जगह लामन कहते हैं, जो मुख्य पे कैजुअलिटी जहाँ हुई है उसको लामन जगह बोलते हैं। वहाँ इनका ये जो धारा था वहाँ था। रात को जो आज 20 और 21 की रात शब जो शाम को ही गरज चमक और तूफानी बारिश जो थी, उस यालाबारी और बारिश में आसमानी बिजली की जो कहा जाता है कि 11 बजे के बाद ही ये हादसा हुआ, क्योंकि गाड़ियाँ तो पास में थी नहीं, तो उस रात के समय में हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं 2 थोड़े जख्मी हैं, 1 बच्चा ज़्यादा जख्मी है। एक मोहम्मद साहब जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वो मेरा बनोई है, उसकी एज 40 साल है। उसके बाद उसकी जो बीवी है वो रजीना अख्तर है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, 38 साल एज है। उसके बाद एक और है, इनका ही साथ में था वो जावेद शाह नाम है उसकी, वलदीद मुझे याद नहीं है, वो लसाने का रहने वाला है। 3 कैजुअलिटियाँ जो है हो चुकी हैं वो आज रात। तो सुबह हम लोग जो इनके लवाकीन हैं वो भी गए, और बहरमगला के इलाके के इर्द गिर्द माँ के लोग भी, और बहरमगला चौकी की पुलिस जो है वो हमारे से हमरा वहाँ जगह पर गई और इनको उठाया, यहाँ सुरनकोट जो है वो पहुँच चुके हैं। जैसे वहाँ आप लोग यहाँ से गए हैं या वहाँ से कुछ लोगों ने उठा के लाया? नहीं, वहाँ से भी लोगों ने उठाया, वो लोग ढोक में थे, क्योंकि ऊपर वाली जो ढोकें थी पिंतारी गिरजन गोदरिया वाली, ये जो अपना काफरखट्टा साइड जो बगनवाली साइड के थे, ये बहरमगला के लोग ज़्यादातर गए हैं, क्योंकि जब लोगों ने जिसने भी सुना है जैसे भी सुना है हर रास्ते से लोग गए। इंतजामिया में से अभी किसी की बात हुई आपके साथ? इंतजामिया में से जो है वो बहरमगला चौकी की बात हुई, और उसके बाद नायब जिला साहब जो चंदी मारे हैं उनसे भी मेरी हुई, पटवारी थे वहाँ मौके पर बहरमगला आए, उनसे भी मेरी बात हुई, वहाँ उनने भी लिखा पड़ा इसमें। तो अभी आपकी क्या मांग रहेगी इंतजामिया से? मांग यही है कि हम इनके जायज़ लवाकीन हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके रह गए, जो माल मवेशी था वो आप ही देख रहे हैं कि आज रात से ही बारिश जो है वो रवा दवा जोर से है, पहाड़ों पे जो है वो बर्फबारी हो रही है। उस माल मशीन में से मुझे नहीं लगता है कि वो 10-20 इनको मिले, क्योंकि वो लोगों का माल था, उस माल की भी कैजुअलिटी है, कुछ घूम गया। उसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा ज़ाती तौर, माल फिर बन जाएगा अगर ये बच जाते हैं, लेकिन जो ये कैजुअलिटियाँ हुई हैं, मेरी गुजारिश है इंतजामिया DC पुंछ साहब से भी और UT सरकार से J&K से भी, उसके बाद मेरी गुजारिश है अमित शाह साहब से भी, सेंटर की सरकार से, इनको जल्द अज जल्द जो है ये मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनको मुआवजा मिल जाए और जख्मी की जो है वो उनकी देखभाल यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में की जाए। मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। SSP पुंछ शर्मा सिंह राव साहब, लाइटनिंग की वजह से जो सुरनकोट का अपर डॉक है घुमसर में 3 लोग जहाँबाग हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? रात की जो इंटरवीनिंग नाइट है उसमें काफ़ी बारिश हुई थंडरिंग और लाइटनिंग से 3 लोगों की जो डेथ है वो रिपोर्टेडली हुई है। ये घुमसर एरिया है, ये ढोक है जो पुलिस स्टेशन सुरनकोट के एरिया में आती है। इसमें जो जिनकी डेथ हुई है उसमें हस्बैंड वाइफ हैं और एक और आदमी है, जिनकी ये तीनों सुरनकोट एरिया के रहने वाले हैं। उसमें एक बच्चा जो है वो भी जख्मी हुआ है, जिसको सुरनकोट हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। राइट सर, थैंक यू।